दोस्तों मैं आज आपको अरावली पर्वतमाला के जो गांव है उदयपुर के पास में उनका विजिट करवाता हूं और रियल में आप गांव देखेंगे और जो म्यूजियम देखे थे आपने उनको भूल जाएंगे क्योंकि वो रखे हुए थे आपको दिखाने के लिए और मैं यहां पर काम में लेते हुए वो सारी चीजें दिखा रहा हूं। तो आइए चलते हैं एक ऐसे ही घर के अंदर और अंदर क्या क्या है, ऊपर से जो छत बना रहे हैं उसके बारे में सब कुछ हम देखते हैं। आइए चले दोस्तों, उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में ये गांव है। सिया खेल रही है बरगद के पेड़ के ऊपर। मेरा नाम है संजय कुमार स्वामी और आप ये वीडियो देख रहे हैं शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आज आपको गांव की यात्रा करवा रहा हूं। सबसे पहले जानते हैं गांव के अंदर यहां पर मुझे मिले केलू की छत बनाते हुए, कैसे बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं या खुद ही बनाते हैं। इन्होंने बताया कि ये खुद भी बनाते हैं यहाँ पर केलू, देसी केलू भी होते हैं। और उसके बाद में ये जो घर है उन घरों के अंदर क्या होता है, क्या क्या पुराना सामान आपको देखने को मिलेगा वो भी हम जानेंगे। इसके ऊपर बैठ जाओ। हाँ हाँ, टूट जाएगा। नहीं टूटेगा, बैठ जाओ। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगी। हाँ नहीं टूटेगा। सही आ रही है दोनों की। आपका क्या नाम है? वक्का जी। वक्का जी? हाँ वक्का जी। तो ये क्या क्या चीज़ है, इसका क्या नाम है? ये गुजराती में केलू। गुजराती में केलू कहते हैं? हाँ 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 हाँ, गुजराती केलू। गुजराती केलू है? हाँ हाँ गुजराती है। अच्छा, और वो दूसरा वाला? वो बड़े देसी बोलते हैं उसको, देसी केलू बोलते हैं। हाँ, हाँ, ये देसी केलू है? हाँ हाँ ये देसी केलू। तो ये और उसमें फर्क क्या है, दोनों में क्या फर्क है? इसमें तो फर्क तो बहुत है। कैसे? ये ऐसे लगता है, ऐसे लगता है। हाँ ये ऐसे, और इसके ऊपर ये लगे और वो और लगेगा। एक ही मान लो ये लगा दिए। हाँ एक ये लग गया। हाँ ऐसे लगेगा। हाँ ऐसे लगेगा। एक और ये रहा, ये रहा। और ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। इस साइड में, इसमें भी एक इसमें आपका एक। अच्छा, एक ही साइड में। हाँ हाँ एक ही मान गया। तो फिर इसी तरह से आगे ये दो बराबर में लगा दिए तो हाँ ये जॉइंट करते करते चलेगा। हाँ 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 ये जॉइंट करते फिर नीचे नहीं गिरेंगे, ऐसे खींचेंगे तो ये निकल जाए। निकलता है? हाँ ये निकलता है, ये नहीं निकले। अच्छा ये नहीं निकलता? हाँ हाँ ये नहीं निकले। अच्छा ये निकल जाता है? हाँ हाँ ये निकल जाए। इसके तो ये है के? हाँ। जो ना हूँ रोका जी। अच्छा ये रोक देता है, इसके छोटा सा कुछ लगा हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। ये स्पोर्ट लगा हुआ है ना? हाँ स्पोर्ट है इसके। ये है के? हाँ। बस यो है जी, योटा से करा इसको बार है इसके। ओ ऐसे लगाया और ऐसे लगाया? ऐसे। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये मोबारा, इसको मोबारा बोलते हैं। तो ये गुजराती मोबारा है? हाँ ये गुजराती। तो देसी मोबारा? या देसी मोबारा। अच्छा अच्छा ये है मोबारा। हाँ अच्छा, मैं थोड़ा ऊपर आ जाऊँ? आ जाऊँ, गिरूंगा नहीं। हाँ मेरे में वजन थोड़ा ज्यादा है। हाँ नहीं गिरो। तो ये मोबारा ये देसी? हाँ ये। तो ये फिर इसमें लगाने के बाद गिरता नहीं है? हाँ नहीं गिरी। ये कैसे लगती? ये अब लगा है। हाँ। अच्छा वो केलो गावे। हाँ। मैं ये इस तरह से मोबाइल लग जाएगी। हाँ तो जाइन लगी। अच्छा तो ये जो झोंपड़ी के बीच में इस तरह से होती है, दोनों साइड में जाती है डला। हाँ हाँ, हाँ। तो जॉइंट में लगता है। हाँ तो ये आप कहाँ से लाते हो देसी केलो? ये तो आप तो बनावे नहीं, कोई भी बना सकता है। हाँ सब घर पे ही बनाते हैं? हाँ 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 घर पे बनाइए। बना के फिर पकाते हैं? हाँ। अच्छा पकाना पड़ता है, जैसे ईंट पकाते हैं वैसे पकाते हैं? हाँ हाँ ईंट जैसे। हाँ ईंट मतलब यो करे। हाँ। ने लकड़ी बिछावे ने वैसे अपने ईंट ले पाके। हाँ हाँ ऐसे मबाड़ो यो कर दियो मोटो। हाँ ऐसे वादी हूँ ये पक जाए। हाँ ये दोनों जैसे मटके में आवाज आती है ना? हाँ। वैसी आवाज आ रही मटके। हाँ। वाली। हाँ 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 मटके वाली आवाज आ रही। तो फिर तो ये ठंडा रहता होगा?
मकान ठंडा रहता है क्या? हाँ हाँ अना हूँ रे अना हूँ नहीं रे अच्छा इससे नहीं रहता अना हूँ नहीं रे अना हूँ रे ठंडू रे अना अच्छा देसी केलू से ज्यादा ठंडा रहता है हाँ ये आपने इससे पहले नीचे क्या बांध के रखा है ये किस चीज की लकड़ी है ये बांस बांस है अच्छा तो पहले पूरे को बांस से बांध दिया हाँ और उसकी उससे नीचे बड़े बड़े इस तरह से लकड़ लगा दी इस तरह से हाँ 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 इसके ऊपर दिया आने डांडा बोले डांडा हाँ हाँ डांडा डांडा दोस्तों अभी ये जो आप देख रहे हैं ये घर के अंदर रोशनी जाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है या इससे थोड़ी बहुत हवा भी चली जाए ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बीच बीच में छतों के अंदर लगा देते हैं और ये पास में जो छोटी सी छत है ये यहाँ पर बकरियों के लिए अलग से बनाई हुई है और घर के सामने झंडे के रंग देख करके अच्छा लगा बहुत ही अभी जो मंदिर की साइड में आ गए हैं ये देखिए आपका घर बन रहेगा आपका बन रहा है क्या घर हाँ तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों ये म्यूजियम के अंदर आप जो पुरानी चीजें देखते हो मुझे यहाँ पर देखने को मिली ये जो संदूक है आप देखिए इधर आइए एक बार ये लकड़ी का है संदूक हाँ लकड़ी का है अच्छा तो कितना पुराना होगा पुराना है खूब पुराना है खूब पुराना है हाँ। और नीचे कुछ पीतल के आपने बर्तन रखे हैं ये भी पुराने हाँ पुराने बाप दादू का बना हुआ आपके बाप दादा का और ये यहाँ पर क्या चीज बनी है ऊपर ये तो अपने कोई भी सामान फालतू पड़ा रहे हाँ हाँ। वो ऊपर रखने के लिए अच्छा यहाँ पर रख देते हैं हाँ जैसे घर का कोई भी काम का खेती हाँ। में काम करने वाला सामान हाँ हाँ। वैसे वो वाला अच्छा ये किताबों रखने किताबें वगैरह अच्छा, जो भी है किताबें रखने के लिए बच्चों के लिए स्पेशल हाँ, है स्पेशल है अच्छा ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं एट्थ में पढ़ता है कौन सी में पढ़ता है दसवीं में अच्छा 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 और ये आप कितने दिनों में करते हो ये जो गारा हाँ साल में दो बार करना पड़ता है दो बार करना पड़ता है और नीचे वाला? तो सप्ते में एक बार करना ही पड़ता है अच्छा नीचे वाला जल्दी करना पड़ता हाँ, है ये नहीं करना पड़ता हाँ, ये कभी साल में दो बार करेंगे अच्छा अच्छा तो ये पहाड़ों के ऊपर इसी तरह के मकान बनाते हैं सब हाँ, लोग सब जगह पहाड़ों में ऐसे ही कच्चे ही मकान है आपका यहाँ पर उदयपुर जिला ही है क्या हाँ जिला उदयपुरी उदयपुर हाँ अभी देखिए दोस्तों आपको एक सीक्रेट जगह दिखाएंगे आपका क्या नाम है मनोज दिखाओ क्या चीज है जैसे बोल गुलाड़ा वगैरह रखते हैं किसी के तो ये गुप्त जगह है इसमें क्या सामान रखते हो किसी पानी का टैंक अच्छा जो खतरनाक है हाँ, कोई चीज रखते हैं तो इसमें आप ये रखते हो इस साइड में है उसमें क्या है अच्छा ये है तो सही का उधर भी कुछ बना हुआ है ना, नहीं बना अच्छा ये देखिए ये है क्या चूल्हा हाँ ये तो दोस्तों ये मिट्टी का चूल्हा और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है उज्ज्वला वाला आपको सिलेंडर नहीं मिला हाँ, पर है वो रहा अच्छा इस साइड में हाँ, तो दोस्तों ये देखिए ये रहा ये सिलेंडर और ये गैस चूल्हा भी मोदी ने दिया हाँ, मोदी ने दिया अच्छा पैसे लगे इसके कुछ नहीं लगे और भरवाया क्या आपने बाद में गैस तो भरवाने के लगते हैं अच्छा बाद में भरवाई कभी हाँ, गैस कितनी बार भरवा दी तो दोस्तों मोदी जी का जो है वो गैस चूल्हा पहुंच चुका है गांव-गांव तक आपके गांव में और लोगों ने भी लिए थे सभी को मिल गए टोटल पूरे गांव में तो उसमें अभी क्या पकाते हो फिर मिट्टी वाले उसमें दाल बनाना हो कोई इसमें गैस खत्म हो जाए तब चूल्हे पे खाना बनाते हैं अच्छा। इस पे आसानी है बनाने में हाँ बढ़िया है अच्छा है। लगता है हाँ लकड़ियाँ भी नहीं लानी पड़ती हाँ लकड़ियाँ भी नहीं लानी पड़े लकड़ियाँ कहाँ मिलती है अभी मिलती नहीं जंगल तो है ही नहीं सूखा पड़ा है हाँ खत्म हो गए उसमें तो मकान बन गए जंगलों में तो मकान बन गए इसलिए इस पे बना लेते फिर कभी लकड़ियों पे चूल्हे पे बना लेते हैं अच्छा एक चीज और दिखाऊं मैं आपको ये जो मिट्टी का है यहाँ पर कुछ बना हुआ ये क्या चीज है हाँ ये कोठा है अनाज डालने के लिए अनाज खराब नहीं होवे कीड़े नहीं लगे अच्छा मिट्टी का बना हुआ है मिट्टी का बना हुआ हाथ से बनाए दोस्तों आपको मैं बता दूं हमने देखा था उस म्यूजियम के अंदर एक तो अरना झरना वहां पर और एक हमने कहां देखा था अभी देखा था
उदयपुर के शिल्प ग्राम के अंदर, तो उदयपुर के शिल्प ग्राम के अंदर ही उस कोठों का म्यूजियम था। आज मैं उस टाइम भी कहा था कि हकीकत के अंदर गांव में आज भी यूज में लेते हैं। हाँ। गांव में और भी कई जगह के हैं कोठे, मिट्टी के ही से अधिकतर मिट्टी के ही है। हाँ। तो ये रियल म्यूजियम है दोस्तों, म्यूजियम की जरूरत नहीं है, रियलिटी है ये हमारे देश के गाँव की। इसके ऊपर से अनाज डालते हो गए? ऊपर से डालते हैं, ऊपर से निकाल लेते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो बस वगैरह कम ही चलती है गाड़ियाँ, तो लोग इस तरह से ही एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं। अभी आइए बात करते हैं, कहाँ जा रहे हो? गांव में। कौन सा गांव है? गांव का नाम? गांव का नाम रोप है। अच्छा, तो बस नहीं जाती गांव? बस तो जाती है, लेकिन अभी यहाँ आती नहीं सर, आविंदा नहीं, अभी बंद है। अच्छा, रोड खराब है इसलिए बंद है इसी के लिए। तो फिर गांव से पैदल ही आते जाते? पूरे गांव वाले? पूरे गांव वाले। कितने लोग घर है गांव में? गांव में 130 घर है सर। 130 घर है, 700-800 व्यक्ति तो होंगे जी। 700-800 है। हाँ, ज्यादा तो गाड़ी बस कुछ नहीं है। यहाँ से कितने किलोमीटर? ये गांव कौन सा था? ये 5 किलोमीटर। ये कौन सा था? बापुरा जी। तो यहाँ से आपका गाँव 5 किलोमीटर है, तो पूरे दिन 5 किलोमीटर पैदल पैदल सब लोग पैदल चलते रहते हैं। तो अकेला कोई नहीं जाता, सब ऐसे गुच्छा बना के जाते हैं? नहीं सर, ये तो शादी के टाइम है। अच्छा, ढोल दिखाना, यहाँ पर कैसे बजाते हैं एक बार बजा के बताओ कैसे बजाते हैं। आप सोच रहे होंगे हम यहाँ पर कैसे पहुँच गए, यहाँ पर तो सड़क भी एकदम टूटी फूटी है। और तो मैं आपको बता दूँ, हम गूगल मैप को देख करके चल रहे थे और ये गूगल मैप ने हमें शॉर्टकट रास्ता बताया, यहाँ से हमें वापस मुड़ना पड़ा। फिर क्या नाम है आपका? केशवलाल। ये गांव कौन सा है? बेड़नपाड़ा। कहाँ पर है गाँव? गाँव कहाँ पर? यहीं पर। तो दिखाई तो ये तो एक एक घर दिख रहे हैं, लंबा चौड़ा है पूरा, मतलब पूरा गांव जितना है वो ऐसा ही है? हाँ, ऐसा पूरा फैला हुआ। तो पीछे जो शहर जैसा एक गांव था वो कौन सा था? वो मादड़ी। मादड़ी। तो उसके आगे मैं आया हूँ, तो उसके बाद में बीच में कोई दूसरा गांव भी है क्या? उसके गांव में बीच में है खाटी गमदी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला बीच में कोई गांव दूसरा भी आया था, एक जैसे घर आ रहे हैं जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो यहीं से। तो आपको पता कैसे चल रहा है कि अभी ये यहाँ से गांव खत्म होता है या शुरू होता है? बस यहाँ से सागवाड़ा है आगे। कहाँ से सागवाड़ा है? इनमें ऐसे है कि इस घर से आगे सागर ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पर जो गांव पता नहीं चलता है, कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो उसको पता नहीं लगता है, क्योंकि बाकी सब जगह गांव इकट्ठे होते हैं एक जगह सारे घर। ये पहले हुए हैं। और यहाँ पर पहाड़ियों के ऊपर गांव, ये गांव पता नहीं चल रहा है। और सब जगह पर ये केलू के मकान है, छत है जो केलू की है। कहीं पर जो है वो देसी केलू, कहीं पर गुजरात से आया हुआ है क्या? देसी और गुजराती सी दोनों ही है। अच्छा, ये दुकान है क्या आपकी? कौन सी? हाँ। ये पीछे इस, ये भी केलू की छत है? हाँ, इसकी भी केलू। एक बात है, इसमें पता नहीं चलता कि दुकान कौन सी है घर कौन सा। जब सामान ही है, है? हाँ, मतलब सामान देखते हैं तो पता चलता है, नहीं तो पता ही नहीं चलता। हाँ, नहीं, सामान देखते। बारिश कैसी होती है यहाँ पर? बारिश तो बरसात के टाइम में होती है, बस अभी सूखा एरिया है। सूखा ही है, हरा हो जाता है पूरा एकदम बारिश में? हाँ, बारिश में हरा भरा। चलो धन्यवाद आपका। दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे थे शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप कंप्लीट राजस्थान की यात्रा कर रहे हैं शुभ जर्नी पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मेरा नाम है संजय कुमार स्वामी। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं अरावली के, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में
ये गांव है और हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। ये पहाड़ों के ऊपर ऊपर अभी सड़क चल रही है, फिर उसके बाद में पहाड़ों के नीचे नीचे भी चलेगी। वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। थैंक यू, शुभ जर्नी।